सो है गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको कुछ इस प्रकार से अपने फ़ोटो में डार्क सिनेमेटिक टोन ऐड करने वाले, बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाले हैं। वन स्टेप यानी आपको लाइटरूम ऐप की सहायता से कुछ इस प्रकार से अपने फ़ोटो में सिनेमेटिक टोन कैसे ऐड किया जाता है, इस प्रकार के आपको फ़ोटो एडिटिंग सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, बिना देर के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने ओरिजिनल फ़ोटो पे। तो सिंपली दोस्तों, मार्च को अपने फ़ोटो पे, तो इस फ़ोटो को आपको शेयर करना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो सिंपली आपको इस शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इंटरफेस इस प्रकार का आएगा, तो आपको लाइटरूम वाले ऑप्शन पर टैप करके आपको एडिटिंग लाइटरूम पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका फ़ोटो शेयर हो जाएगा लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो दोस्तों, हमारा फ़ोटो शेयर हो चुका है। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने फ़ोटो में लाइट को एडजस्ट करना है। तो सिंपली आपको इधर ले लाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करते के बाद आपको करना क्या है, इस प्रकार की इंटरफेस आएंगे, तो आपको ये ब्लैक्स का ऑप्शन है, इसको आपको थोड़ा सा माइनस की ओर कर देना है। वाइट का ऑप्शन है, इसको भी आपको थोड़ा सा प्लस कर देना है। शैडो भी आपको थोड़ा सा प्लस कर देना है और हाईलाइट आपको थोड़ा सा माइनस कर देना है। दोस्तों, देख सकते हैं हमारे फ़ोटो में कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा है, जिसको आपको कम करना है। आपको कॉन्ट्रास्ट को -32 करके रख लेना है। जितने भी सेटिंग है आपको कुछ इस प्रकार से सभी सेटिंग को रख लेना है। आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो हमारे फ़ोटो में लाइट तो एडजस्ट हो चुका है। अब अपने फ़ोटो में कलर को ग्रेडिंग करना है, तो सिंपली यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले करना क्या है, जो टेम्परेचर का ऑप्शन है, इसको आपको थोड़ा सा प्लस करना है। अपने फ़ोटो में थोड़ा सा टेम्परेचर ऐड करना है। ऐड करने के बाद ये जो थर्ड वाला ऑप्शन वाइब्रेंस का ऑप्शन है, इसको भी आपको थोड़ा सा प्लस करना है, ताकि अपने फ़ोटो में थोड़ा सेचुरेशन ऐड हो सके। और यहाँ से आपको इस मिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों, मिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अपने फेस को जूम करके अपने फेस को वाइट करना है। तो वाइट करने के लिए सिंपली आपको इस ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करने के बाद इसके सेचुरेशन को आपको थोड़ा सा माइनस की ओर कर देना है। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, -20 रखना है। रखने के बाद ये जो लुमिनेस का ऑप्शन, इसको आपको जितना प्लस कीजिएगा आपका फेस उतना वाइट होगा। देख सकते हैं, तो हम थोड़ा ही प्लस करेंगे, आपको 19 करके रखना है। 19 रखने के बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट कलर को सेलेक्ट करना है। क्लिक करने के बाद येल्लो कलर को सेलेक्ट करना है और इसकी भी जो सेचुरेशन है, इसको आपको माइनस की ओर कर देना है। फिर आपको नेक्स्ट कलर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसकी भी सेचुरेशन कुछ इस प्रकार से 100 की ओर कर देना है। जितने भी कलर है सभी के सेचुरेशन 100 की ओर कर देना, -100 कुछ इस प्रकार से कर देना है। तो दोस्तों, कर देने के बाद दो कलर बचे हैं, दोनों कलर के सेचुरेशन आपको माइनस की ओर कुछ इस प्रकार से बहुत ही आपको धीरे धीरे कर देना है। सेचुरेशन 100 हो जाने के बाद यहाँ से आपको डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करने के बाद अब आपको फ़ोटो में थोड़ा डार्क टोन को ऐड करना है। डार्क टोन को ऐड करने के लिए सिंपली आपको इस इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो टेक्चर का ऑप्शन है, इसको आपको थोड़ा सा प्लस करना है और जो क्वालिटी का ऑप्शन है, इसको आपको थोड़ा सा माइनस करना है। जितना माइनस कीजिएगा आपका फेस उतना स्मूथ होगा। देख सकते हैं, जितना माइनस हम कर रहे हैं हमारा फेस उतना स्मूथ हो रहा है। तो हमको थोड़ा सा ही माइनस करना है, आपको -19 रखना है। 19 रखने के बाद नीचे जो DH का ऑप्शन है, DH को आपको थोड़ा सा प्लस की ओर कर देना है, ताकि हमारे फ़ोटो में थोड़ा डार्क टोन ऐड हो सके। और यहाँ जो विगनेट का ऑप्शन है, इसको आपको जितना माइनस कीजिएगा आपके फ़ोटो में उतना डार्क टोन ऐड होगा। तो आपको कुछ इस प्रकार से -38 करके रखना है। और ये जो मिड पॉइंट का ऑप्शन है, इसको भी आपको थोड़ा सा माइनस स्कोर कर देना है। हो जाने के बाद यहाँ से आपको इस डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, अपने फ़ोटो को शार्पनेस ऐड करने के लिए और अपने फेस को स्मूथ करने के लिए। और जो सबसे ऊपर में जो शार्पनिंग का ऑप्शन है, इसको आपको थोड़ा सा प्लस करना है। और ये जितने ऑप्शन देख रहे हैं सभी के +100 आपको कुछ इस प्रकार से कर देना है। जितने भी ऑप्शन आएंगे सभी के आपको 100 कर देना है कुछ इस प्रकार से। और ये जो डिटेल का ऑप्शन है, इसको भी आपको 100 कर देना है।
ये कलर नुमाइज रिडक्शन भी आपको थोड़ा सा ही प्लस करना है। प्लस करने के बाद ये दोनों ऑप्शन को आपको 100 की ओर रख कर देना है कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों अब आपको लास्ट स्टेप में करना क्या है, सिंपली आपको इस ऑप्टिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये दोनों ऑप्शन देख रहे हैं, दोनों ऑप्शन को आपको ऑन कर देना है। ऑन कर देने के बाद यहाँ से अब एक और सेटिंग बच गया है, अपने फ़ोटो में थोड़ा सिनेमैटिक टोन को ऐड करना है। तो सिनेमैटिक टोन ऐड करने के लिए सिंपली यहाँ आपको कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपको इस ग्रेडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कर देने के बाद जो बिंदु देख रहे हैं इसको आपको कुछ इस प्रकार से इधर की साइड ला के रख देना है। बीच वाले बिंदु को भी आपको फिंगर की सहायता से कुछ इस प्रकार ला के रख देना है। रख देने के बाद यहाँ जो लूमिनेस का ऑप्शन है नीचे के साइड में, इसको आपको थोड़ा सा माइनस की ओर कर देना है ताकि हमारे फोटो में थोड़ा डार्क व्हाइट टोन ऐड हो सके। और यहाँ से जो ये देख सकते हैं जो ब्लेंडिंग का ऑप्शन है, इस ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन को आपको थोड़ा सा प्लस कर देना है और बैलेंस भी आपको कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा माइनस की ओर कर देना है। इतना हो जाने के बाद यहाँ से अपने फ़ोटो को डन करना है। डन करने के बाद सिनेमैटिक टोन डाल दिए हो चुका है और यहाँ से अपने ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम करना है। तो सिंपली आपको इधर लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस एक्सपोजर को आपको थोड़ा सा माइनस की ओर कर देना है, कुछ इस प्रकार से आपको माइनस कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे फ़ोटो में सिनेमैटिक टोन ऐड हो चुका है। तो दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो अगर आपको थोड़ी सी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब इस फोटो को सेव करना है, तो सेव करने के लिए सिंपली आपको इस आइकन वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो सेव कंप्यूटर डिवाइस का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका यह फ़ोटो डायरेक्ट शेयर हो जाएगा लाइटरूम से गैलरी में। तो दोस्तों हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही एक और न्यू वीडियो के साथ।